हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और जैसा कि दोस्तों जीएस का जो चल रहा है सीरीज, उसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हैं। आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर तैयार कर लें, 10 मिनट के अंदर ही आप अच्छी तरह से इसे देख सकते हैं। और जैसा कि एग्ज़ाम में आता है तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं गलत ना हों, जिससे आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको इस तरह से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। डायरेक्ट आपको यही ऑप्शन ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखते ही ऑप्टिकल फाइबर पर कर दीजिएगा टिक। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? यानी गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? तो उत्कृष्ट खेलों में कोचों को प्रदान किया जाता है, ठीक है? तो सीधे सीधे याद रखिएगा कि कोच को दिया जाता है, जैसे टीम के जो कोच होते हैं उन्हीं को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। और इसका यदि आप टाइमिंग बात करें कब से कब तक था, तो 1926 से 1931 के बीच में ये था, ठीक है? तो जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी सारी चीज़ें जैसा कि हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड होते हैं, उसमें गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो इंद्र थे। अगला है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सदस्य कितने थे? तो टोटल 7 सदस्य थे, याद रखिएगा। आपसे झंडा समिति पूछ देता है तो याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि कई स्टूडेंट जो हैं जेबी कृपलानी पे करके आते हैं, तो याद रखिएगा झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? भारत में तो राखी घड़ी है जो हिसार हरियाणा में है, ठीक है? प्रश्न नंबर 8वां है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन जहांगीर के दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में जो है थॉमस रो आया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 49वीं रेखा यानी 49वीं समांतर रेखा जो है किसको पृथक करती है, यानी किन किन देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। फिर आपसे जैसे मैकमोहन रेखा पूछ सकता है कि किस किस देश के बीच में है, तो याद रखिएगा चीन और भारत। उसके बाद आपको डूरंड भी पूछ सकता है, अफगानिस्तान भारत भी, और इसके बाद रेड क्लिप पूछ सकता है जो आपका पाकिस्तान भारत से है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कह रहा है मूल संविधान में, यानी कि जब संविधान बना था तो टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 395, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है? प्रश्न नंबर 11 है, शिक्षा जो है किस सूची के विषय में शामिल की गई मद है? आपसे ये पूछेगा इस एग्जाम में, तो समवर्ती सूची याद रखिएगा। समवर्ती सूची जो है इसमें जो रूल है यानी कि कानून है वो राज्य और संघ दोनों बनाने की शक्ति है, दोनों मिलकर बना सकते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो संघ की होती है। तो शिक्षा पे जो है कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, तो समवर्ती सूची में इसीलिए डाला गया। पहले स्टार्टिंग में ये राज सूची का विषय था, लेकिन अब जो है समवर्ती सूची में है। आपसे पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? तो वर्तमान समय में याद रखिएगा कि टोटल 52 सब्जेक्ट हैं, 52, ठीक है? शिक्षा हुआ, वन हुआ, ट्रेड यूनियन हुआ, विवाह हुआ, ठीक है, दत्तक ग्रहण हुआ, ये सारी चीज़ें जो समवर्ती सूची के हैं, ठीक है? आपको कुछ राज सूची के विषय में बता दूं, जैसा कि जो पहले था वो 66 विषय थे, लेकिन अब जो है 61 है, यानी कि घटा दिए गए हैं, 61 हो गए हैं, पहले 66 थे, जिसमें आपको सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, जो पुलिस है आपकी राज सूची की सब्जेक्ट है, फिर आपका अस्पताल और औषधालय हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता हो गया, ये सारी चीज़ें राजसूची के हैं। संघ सूची में जैसे कि जो मूल थे वो 97 थे, लेकिन अब थोड़ा बढ़ा दिए गए, यानी कि टोटल अब 100 कर दिए गए, 100 सब्जेक्ट हैं, जिसमें रक्षा हो गया, सेना हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, संचार हो गया, रेलवे हो गया,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और कब की थी? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद 1897 में। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अकबर के द्वारा ये करवाया गया था, याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी। तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामचरितमानस, ये सारी चीजें जो हैं ये सभी कृतियां तुलसीदास की हैं। इन्फ्लुएंजा किस प्रकार की जो है बीमारी है, यानी कि वायरस है कि बैक्टीरिया है? तो राइट आंसर आप मारेंगे वायरस जनित बीमारी है, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु जनित। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किस सुल्तान शासक द्वारा चलाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो राइट आंसर होगा अशोक के शासन काल में हुआ था, ठीक है। प्रथम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे। 21 नंबर है, भारत में मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति का उल्लेख किस आर्टिकल में है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस में है? तो आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति से आपको बताया था कि आर्टिकल जो 72 है वो इनको क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अगला है 22 नंबर, लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक किस राज्य द्वारा होता है? तो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश से सीटें हैं, जिसमें लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। फैदोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है, यानी कि यदि हम लोग पृथ्वी तल से बात करें तो सबसे पहला जो परत पड़ता है वायुमंडल का वो क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो इसी में होती हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा जे थॉम्सन के द्वारा, ठीक है। चरक जो है किसके दरबारी चिकित्सक थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बार बार पूछ देता है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा कनिष्क के। अगला है, कालिदास जो है किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। आप लोग ये सारी चीज़ें जो है आपको जुबान पे रहना चाहिए, कभी ये मिस्टेक ना हो कि ये क्वेश्चन जो है आप गलत करके आ रहे हो, फिर आपका जो है रैंक डाउन हो जाएगा, फिर आप जो है कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1917। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। कहाँ पे? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्ट्रगल यानी द इंडियन स्ट्रगल, यहाँ पे पहले द रहेगा, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस जो है इंडियन स्ट्रगल के राइटर हैं, लेखक हैं। संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, और टोटल कितनी है, 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जो है टोटल कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा कि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कोंकणी भाषा, फिर मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन बताता है? यानी कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके जाति सूचक वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो क्या है, अनुच्छेद जो है 17 है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, यदि आ रही है तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सीरीज में, अपनी तैयारी अच्छी करें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।